आपको पता है कि रानी पद्मावती के जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कुछ इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़गढ़ में पद्मावती के जौहर के बाद फिर भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं रुका। उसने अपनी खीज मिटाने के लिए कहर जारी रखा। सबसे पहले उसने उस जगह का नाम बदला जहां उसने हमला किया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और इसके बाद रानी पद्मिनी ने भी हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मिनी को देखने पहुंचा तो उसे केवल राख ही मिली थी। कहा जाता है कि इसके बाद भी खिलजी नहीं रुका, मानो उसने चित्तौड़गढ़ को इतिहास से गायब करने की ही ठान ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। खिलजी इतने पर ही नहीं रुका बल्कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने अपने साले सेनापति खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया और दिल्ली लौट आया। इसके बाद राजपूतों ने चित्तौड़ को आजाद करवाने के लिए प्रयास जारी रखे। इसी दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेदारी एक राजपूत सरदार को सौंप दी, लेकिन खिलजी की मौत के बाद ही हम्मीर देव ने हमला कर चित्तौड़गढ़ किले को आजाद करवा लिया।